हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th के डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें क्या, फाइंड द डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग सपोज करेंगे टी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सपोज करेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ओके, अब इसमें सपोज करेंगे लेट टी इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स। इसको अंडर रूट कॉस एक्स, इसको हमने टी सपोज कर लिया। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा वन अपॉन हाफ, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स की पावर माइनस का वन अपॉन हाफ हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। सिमिलरली इसका भी करेंगे तो ये इसका भी हो जाएगा वन अपॉन टू, इसमें कॉस एक्स की पावर माइनस का वन बाई टू, और फिर कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ओके, मीन्स डी टी अपॉन डी एक्स हमारा आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा ये साइन एक्स अपॉन टू अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को, अब इक्वेशन वन हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सपोज करेंगे y इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या बन गया e की पावर t। ठीक है, अब यहाँ फिर से करते हैं, अब ये हम इसको t सपोज कर लिया था तो ये हो जाएगा e की पावर t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy वाई डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dt। ओके, dy अपॉन dt और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर t। ठीक है, फिर इसका t का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन dx। ओके, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t ही आ जाएगा, और dt अपॉन dx की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखी है तो इसको अभी बाद में लिखते हैं, dt अपॉन dx इसको रहने देते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e, अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू हमारी क्या थी, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ओके, इनटू अब इसकी जगह पे डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू अंडर रूट साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टू अंडर रूट कॉस एक्स। ओके, ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, अब इसमें इसको हम लोग t सपोज करेंगे तो लेट t इज इक्वल टू फाइव साइन एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स फाइव साइन एक्स। ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स ये सिक्स का, तो इसका हमारा आ जाएगा फाइव कॉस एक्स। ठीक है, इसका हो जाएगा ज़ीरो, मीन्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, फाइव कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वन हो गया। अब इस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग टी। ओके, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं
डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग टी. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हमारा हो जाएगा फोर, तो ये ऑलरेडी है, ये टू आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा टिप टू आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स बचेगा, फिर साइन एक्स का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स. ठीक है, अगेन इसका क्या होगा लॉग टी का वन अपॉन टी हो जाएगा, फिर टी का करेंगे तो आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स. ठीक है, अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा एट सॉरी यहाँ पे इसको फोर ही बने रहने देंगे. ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं हम लोग टू साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, इसे लिखेंगे साइन टू एक्स. ओके, प्लस वन अपॉन टी की जगह पे हम लोग टी की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा फाइव साइन एक्स प्लस सिक्स. ठीक है, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी आई थी फाइव कॉस एक्स. ठीक है, सो हमारा आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फोर साइन टू एक्स प्लस फाइव कॉस एक्स अपॉन फाइव साइन एक्स प्लस सिक्स. ओके, ये हमारा आंसर आ गया. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर लॉग एक्स के पावर टू. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हम सपोज करेंगे लेट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो ये डी एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का पहले होता है वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स. ठीक है, अब ये हमारा हो गया, इसको सपोज कर लेते हैं वन. ठीक है, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, अब इसकी जगह पे t हो जाएगा, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे t है तो यहाँ t का कोफिशिएंट लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, टी का फिर से करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा. सो हमारा यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब हम लोग करेंगे टू साइन टी, फिर इसका हो जाएगा कॉस टी. ओके, और इसी स्टेप में लिखना था, गलती से लिख गया. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स. ओके, अभी हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन, अब टी की जगह पे हमें पुट करना है लॉग एक्स स्क्वायर एंड कॉस, इसकी जगह पे हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर एंड डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, अब टू का टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फोर अपॉन एक्स. ठीक है, साइन लॉग एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू टेन के पावर एन पी एक्स के पावर एम. ठीक है, वाई इज इक्वल टू टेन एन. ठीक है, और पी एक्स के पावर एम. ठीक है, इसमें सपोज करेंगे लेट टी इज इक्वल टू t
टी इज इक्वल टू पी एक्स की पावर एम, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिमिलरली तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी, कॉन्स्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स की पावर एम का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एम एक्स की पावर एम माइनस वन हो जाएगा। ओके, अब आगे का स्टेप क्या होगा, वाई इज इक्वल टू टेन एन, अब यहाँ पे हो जाएगा टी, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टेन की पावर एन और टी, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी टेन एन टी, ठीक है। इसका हो जाएगा, करेंगे जब इसका तो एन टेन टेन एन माइनस वन हो जाएगा टी एन माइनस वन टी, ठीक है। फिर टेन का अगेन जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेक, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, ओके। फिर टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन टेन एन माइनस वन, टी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू था पी एम के पावर सॉरी पी एक्स की पावर एम, पी एक्स की पावर एम यहाँ पे रख दिया एंड ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर एम, और इसकी वैल्यू आई थी डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पी एम एक्स की पावर एम माइनस वन, ठीक है। अब इसको सही से अरेंज करके लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी एन पी सॉरी ये हमारा पी है पी एन एम, ओके। ये हो जाएगा टेन एन माइनस वन, ठीक है, पी एक्स की पावर एम एंड सेक स्क्वायर पी एक्स की पावर एम, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया, ओके। अब आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। तो इसको हम लोग सपोज करेंगे लेट टी इज इक्वल टू एक्स के पावर टू अपॉन एम, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यह आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर टू एम, ठीक। तो ये हो जाएगा टू टू एक्स, ठीक है, अपॉन एम। अब इसका एक्स का करेंगे तो वन आ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा टू एक्स अपॉन एम, ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी, अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी टी ई ई की पावर टी, तो ये इसका करेंगे तो e की पावर t हो जाएगा, फिर t का करेंगे तो e dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर t, ठीक है। dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन m, इसको अभी पुट करते हैं e की पावर t, t की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं क्या, x स्क्वायर की पावर m एंड dt अपॉन dx की वैल्यू 2x अपॉन एम, ठीक है। सो हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू एम टू सॉरी टू एक्स अपॉन एम ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एम, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन एम ई की पावर एक्स की पावर टू एम, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट सेक एक्स, ठीक है। इसमें भी सपोज करेंगे लेट टी इज इक्वल टू अंडर रूट सेक एक्स, ठीक है। तो इसका करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक वन अपॉन टू
sec x की पावर माइनस का 1/2 sec x का जब हम लोग करेंगे तो आएगा sec x एंड tan x, ठीक है. मीन्स dt टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू sec x tan x अपॉन 2 अंडर रूट sec x. ओके, सो अब हमारा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर यहाँ पे t हो जाएगा. तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ई की पावर t. e की पावर t का आ जाएगा e की पावर t डी टी अपॉन डी एक्स. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर t की वैल्यू पुट करेंगे तो e, और ये हो जाएगा अंडर रूट sec x, और dt अपॉन dx की वैल्यू फाइंड किया था हम लोगों ने sec x tan x अपॉन 2 अंडर रूट sec x. ओके, सो ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया. ओके, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर sec x, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट sec x, ये आ जाएगा tan x, ठीक है, अपॉन 2. इसको लिख सकते हैं dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट sec x, ठीक है, tan x टेन एक्स एंड रूट sec x अपॉन 2. ये हमारा आंसर फाइंड हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है. इसमें भी सिमिलरली लेट t इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है. इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dt अपॉन dx इज इक्वल टू इसका हो जाएगा हमारा tan x का होता है मेरा sec स्क्वायर x, ठीक है, और फिर x स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x. ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा cos t. इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा cos t, तो ये हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी cos t, ठीक है. तो ये cos t का होगा माइनस का sin t, फिर t का करेंगे तो dt टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा. तो dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू है टेन एक्स स्क्वायर. ओके, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो हमारा आंसर आ गया डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x साइन टेन एक्स स्क्वायर एंड sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया. ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.